हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन. आई एम विनय पांडे. डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट टू वीडियोस वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. हाउ कैन वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. जो न्यूमेरिकल्स हमने किए डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स कराना पॉसिबल नहीं है. आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा जाना है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड. तो जितने क्वेश्चंस आपको बुक में मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में, यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें. एक भी क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का नहीं छोड़ना है. Our today's video is based on the topic adjoint and inverse of matrices. पूरे chapter का ही नाम मैंने एक तरीके से लिखा हुआ है. फिर से आपको ये topic देख के लग रहा होगा कि फिर से यहाँ पे हम matrices में पहुँच गए, क्योंकि determinant is a particular number, a particular constant corresponding to a square matrix. ये basically definition थी determinants की. Determinant क्या था? एक square matrix को सॉल्व करके जो एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा था, दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ये हमने बोला था. तो क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैट्रिसेस के बताया था कि हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ये हमने देखा था. वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने आपको वहाँ पे. और वही मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ सेकेंड मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को फाइंड करने की भी एक दूसरी मेथड भी है जो डायरेक्टली फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. उस फॉर्मूले की ओर अब हम बढ़ रहे हैं जो हम वहाँ छोड़ के आए हुए थे. तो वही क्योंकि डिटर्मिनेंट का उसमें यूज़ होता है, तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम इन्वर्स निकालेंगे. तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे. तो फिलहाल हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है. आज के वीडियो में हमारा ये टारगेट रहेगा. फिर आगे हम इस पर बेस्ड जो थ्योरम्स हैं वो सारी थ्योरम्स मैं कराऊंगा आपको, और थ्योरम्स के बाद हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग द फॉर्मूला एंड होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, हाउ कैन वी सॉल्व दीज इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. वो सारी चीज़ें आगे के वीडियोज में हम देखेंगे. तो आज का जो वीडियो है हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ the matrix obtained by replacing the elements of A by their corresponding cofactors in determinant of A. Transpose of a matrix, आपको याद होगा matrices में मैंने आपको बताया था कि if we change the corresponding row by corresponding column, then the new matrix is formed, is called the transpose of the previous matrix. जो matrix आपको दी है उस matrix के row और column को interchange करें. Interchange करने के बाद जो नई matrix बनती है, that is the ट्रांसपोज. ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक भी हमने वहाँ पे देखा था. इसमें आपको क्या करना है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो यू हैव टू फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स. उसके जितने एलिमेंट्स हैं उनके करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आपको फाइंड करना है. कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है और मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है. ट्रांसपोज करने के बाद दो जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसी को आप उस प्रीवियस मैट्रिक्स का क्या बोलोगे, एडजॉइंट बोलोगे. जैसे आपको 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है और इसके आप कोफैक्टर्स निकालेंगे. कोफैक्टर्स A11, ये स्मॉल A11 होता था. पहला कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसमें, ये -1 की पावर 1 प्लस 1, 4 कितना आ जाएगा, 4. A12 कितना होगा इसको और इसको छोड़ करके, -3. A21 कितना होगा इसको इसको छोड़ करके, -2. और A22 कितना होगा, 1. अब इसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स, नई वाली मैट्रिक्स बन रही है, दैट इज 4A11, जो स्मॉल A11 था उसकी जगह पे अब कैपिटल A11 आ गया. कोफैक्टर -3, -2, 1. एडजॉइंट ऑफ ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये निकलेगा इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे. इसको डैश से भी रिप्रेजेंट करते थे या टी आप लिख सकते हैं. इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 4 -3 -2 1, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपको दी थी उसका क्या हो जाएगा,
एडजॉइंट हो जाएगा। अब एक 3x3 का मैं क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको पूरा ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी कि आप कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। 1-1, 2, 2, 3, 5, -2, 0, 1. Suppose we have a square matrix of 3x3 order and we have to find the adjoint of this square matrix. Sign convention is, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। द फर्स्ट कोफैक्टर a11 इज गिवन बाय -1 रेज टू द पावर 1+1 एंड द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय 3, 5, 0 एंड 1। इट इज 3 × 1, 3 -0 एंड -1 रेज टू द पावर 1+1 इज पॉजिटिव। सो दिस वैल्यू ऑफ a11 इज 3। दिस a11 रिप्रेजेंट्स द कोफैक्टर ऑफ a11। नाउ a12 इज -1 रेज टू द पावर 1+2। द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय 2, -2, 5 एंड 1। -1 रेज टू द पावर 1+2 इज नेगेटिव एंड 2+10, 12, इट इज -12। नाउ a13, -1 रेज टू द पावर 1+3, द डिटर्मिनेंट इन दिस केस इज, इसको छोड़ देंगे अब, 2, -2, 3, 0। -1 रेज टू द पावर 1+3 इज पॉजिटिव, 0, -+6। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं साइन भी लिख चुका हूँ और सीधे फॉर्मूले से भी मैं आपको पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली यू कैन टेक द पॉजिटिव साइन इन प्लेस ऑफ -1 रेज टू द पावर 1+1, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। a21 इज नेगेटिव, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको छोड़ देंगे आप, -1, 0, 2, 1, -1, सो इट इज +1। तो इस तरीके से आपको इसके जो कोफैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं। a22 में पॉजिटिव साइन, 1, -2, -1, 0, 0, -2, 8, 2, 3 माइनस में है, इसको छोड़ देंगे, 1, -2, -1, 0, तो 0, माइनस, फिर नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव। कैलकुलेशन आप यू कैन चेक यूरसेल्फ। a31 में -1, 3, 2, 5, -5, -6, -11, a32 इज नेगेटिव, 1, 2, 2, 5, 5, -4, 1, माइनस का बनाएगा। a33 इज पॉजिटिव, 1, 2, -1, 3, 1, 2, -1, 3, 3, -+5 हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द कोफैक्टर्स corresponding to the given matrix A. Now we have to find the adjoint. For this, we have to transpose the matrix formed by these cofactors. आपको सिर्फ ये करना है कि जो adjoint निकालना है उसके लिए जो cofactor से matrix बनेगी उसका transpose कर देना है। Cofactor से matrix 3-12, 6, 3-12, 6, 1-2, 2, -11, -1, 5, 3-12, 6, 1-2, 2, -11, -1, 5। कैलकुलेशन में हो सकता है आप प्लस माइनस में कहीं पे मिस्टेक हो, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, कैसे इसका एडजॉइंट निकालना है। सो द एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये आपका कोफैक्टर्स निकालने का तरीका है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए।
तो इस पे बेस्ड एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। इतने क्वेश्चन अगर आप कम से कम इतने क्वेश्चंस करते हैं तो आपका एडजॉइंट निकालने का तरीका सही हो जाएगा। इस पे जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है कि डिटरमिनेंट का सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका यूज़ करके। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देखेंगे और इसके आने वाले वीडियोस में हम पहले थ्योरम पे फोकस करेंगे, देन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, वो सारी चीज़ें करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आगे के वीडियोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग